देश की जन जन की आवाज आदरणीय प्रियंका गांधी जी, पूरे राजस्थान के अंदर युवाओं और किसानों की आवाज आदरणीय सचिन पायलट जी, जिनके लिए हम सब आए यहाँ से। कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार सम्मान्य मुरलीलाल मीणा जी, ममता भूपेश जी, अमृता धवन जी, गजराज खटाना जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेता, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, आज आप सबके सामने जो प्रियंका गांधी जी यहाँ पर और सचिन पायलट जी कांग्रेस के हाथ के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के हाथ के पक्ष में नहीं बल्कि आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश के अंदर संविधान बदलना चाहता है, जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डालना चाहता है, उसके खिलाफ आप सब लोगों को जागृत करने के लिए आए हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आज जहां जहां पर बीजेपी के लोग गांवों के अंदर घूम रहे हैं, जगह जगह पर एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने जीवन में अपनी पहली गारंटी आदमी अपनी पत्नी को देता है। नरेंद्र मोदी ने जसोदा बेन की गारंटी फेल कर दी, आपकी हमारी गारंटी क्या पास करेगा? इसलिए मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आज मौका है आपके पास। जो नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर पिछले 10 साल से कह रहा है कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा, उससे एक सवाल बीजेपी के उम्मीदवार से आपको जरूर पूछना चाहिए कि जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दोसा के अंदर 10 साल से आपने सांसद बीजेपी का बनाकर भेजा, उस बीजेपी के सांसद ने आपके लिए क्या काम किया? याद करो सचिन पायलट जी का वो समय, जिस समय यहाँ के युवाओं को, और खास करके राजेश पायलट जी का समय, जिस समय पर यहाँ के युवाओं को दिल्ली अपने पास लगती थी, और